वो जी ब्रेक खत्म हो गया और मैं आ गया हूँ मौज मस्ती गाना खाना पीना सभी कुछ लेके। चल रहा है ऑफिस स्पेशल एपिसोड और ऑफिस में जो बातें होती है ना वो बड़ी मजेदार होती है। ऑफिस टेबल जो लंच टेबल होता है ना वो एक मेमोरेबल टाइम होता है। जोक्स खाना पीना लंच टेबल में ही होता है। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बना रहा हूँ, ओट्स बीसी बल्ला भात। मैं ब्राउन राइस ले रहा हूँ कोहिनूर का, ये बढ़िया ब्राउन बासमती राइस है, लॉन्ग ग्रेन राइस है, हेल्दी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके जो फाइबर्स है ना वो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली लोअर करने के काम आते हैं। तो ब्राउन राइस खाना बड़ा हेल्दी होता है और ये पकता भी बड़ा जल्दी है। तो ये इंटरेस्टिंग राइस के साथ हम काम करेंगे। शुरुआत में क्या करते हैं ये लीजिए, सबसे पहले मैं करूँगा ये जो ब्राउन राइस है ये मैंने भिगो के रखा है, ये ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास उबली हुई दाल है, एक टमाटर बारीक कटा हुआ डाल दें इसमें, ठीक है जी। हम और आप थोड़ा सा जो है मस्ती गाना वो शुरू कर लेते हैं। ओ जी नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक, ये लीजिए जी। आहा, इसमें मैं डालूंगा पानी, एलो जी, और इसे उबलने देते हैं। तब तक एक काम और करना है, मसाला बनाने का काम। सबसे पहले थोड़ा सा तेल, एलो जी, जीरा और धनिया एक बड़ा चम्मच, एलो जी, मेथी दाना एक चौथाई, चना दाल ये एक बड़ा चम्मच, सौंफ ये एक चौथाई छोटा चम्मच, थोड़े से गरम मसाले हैं वो डाल लेते हैं, लौंग के दो टुकड़े डाल लेते हैं, दालचीनी आधा इंच टुकड़ा डाल दें और साथ साथ चार मिर्चें सूखी वाली तोड़ के डाल लें, छोटी इलायची दो, ये लीजिए ये डाल ली, थोड़ा सा राई ज़्यादा नहीं ये भी एक चौथाई छोटा चम्मच, खसखस ये डाल लेते हैं, एलो जी, हल्दी, राइस यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी राइस यूज़ कर लें, ये एक छोटा चम्मच राइस का डाल लेते हैं, ब्लैक पेपर, एलो जी, सूखा नारियल ये लीजिए ये थोड़ा सा डाल लिया, करी पत्ता 8-10 करी पत्ते डाल लिए, इन सारे चीज़ों को आहा बिल्कुल फ्लेवर सम बना देते हैं, एलो जी अच्छे से भून लें। अब एलो जी ये सारा मिश्रण जो है मैं निकाल लेता हूँ, ब्यूटीफुल, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और नमक डालते वक्त आपको पता ही है, ओ जी नमक शमक बस बस ज़्यादा नहीं। अब इसको जो है सारी चीज़ को पाउडर बना लेते हैं, ऑनेस्टली घर पे जो बने हुए मसाले होते हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और ये देखिए दिस इज सो ब्यूटीफुल। अब मेरे अंदाज वाला तड़का ये लीजिए, अब इसमें तेल डाल लेते हैं थोड़ा सा, हींग डाल लें इसमें, और ये लीजिए जीरा डाल लिया एक छोटा चम्मच, राई डालो जी आधा छोटा चम्मच, गर्मा गर्म तेल में डालिएगा, लाल मिर्चें 2-3 बड़ी वाली डाल लें, एक काम और ढेर सारा करी पत्ता, एक छोटा प्याज कटा हुआ, छोटी सी गाजर, बीन्स, अब इसे थोड़ा सा समय देते हैं पकने के लिए, आलू के क्यूब्स इसमें डाल लेते हैं, मेरे पास उबले हुए आलू है, वाह ये जब सब्जियां पक जाएं हल्दी डाल लेते हैं, और इसके साथ साथ मेरा जो ये मसाला है जो मैंने पीसा है ये डाल लेते हैं, थोड़ा सा नमक ज्यादा नहीं, वो जी नमक शमक डाल देते हैं। आहा नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये जो बढ़िया बन गया है मिक्सचर और ये मिश्रण यहाँ डाल लेते हैं, ये लीजिए जी क्या बात है। अब इस मिश्रण में फाइनली
कुछ चीजें डालने वाला हूँ। ओट्स, जी हाँ, यू कांट मिस ऑन ओट्स। आधा चम्मच बड़ा वाला इमली का पेस्ट, थोड़ी सी जागरी इसमें डाल लें, बहुत ज्यादा नहीं। और इसे ओट्स डालने के बाद थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इट बिकम्स नाइस एंड ओट्स ऑल्सो गेट कुक्ड। मुझे देख के इतना मजा आ रहा है, पूछिए मत। कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल ये वाली रखिएगा ताकि डब्बा जो है वो बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। भाई ये अगर आपके डब्बे में बन के चले गया ऑफिस, आप बस देखिए क्या कमाल होता है, मजा आया था। और परिवार को भी बना के खिला दिया आपने, वन पॉट डिश मील, सो गुड मैन, पूछिए मत, मजा आ जाएगा। बेले भात बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में चावल गर्म करें, उसमें डालें उबली हुई चना दाल, टमाटर, नमक, फिर उसमें डालें थोड़ा पानी, मिलाएं और ढककर एक उबाल आने तक पका लीजिए। एक दूसरे नॉनस्टिक पैन में तेल गर्म करें, उसमें डालें जीरा, धनिया के दाने, मेथी के दाने, एक बड़ा चम्मच चना दाल, सौंफ, लौंग, दालचीनी, चार तोड़ी हुई सूखी लाल मिर्च, छोटी इलायची, एक चौथाई छोटा चम्मच राई, खसखस, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, चावल, काले मिर्च, ग्रेटेड कोकोनट, कड़ी पत्ते, इन सब को मिला ले और खुशबू आने तक भून ले। फिर इस भुने हुए मसाले को नमक के साथ पीस कर दरदरी पाउडर बना ले। एक दूसरे नॉनस्टिक पैन में बचा हुआ तेल गरम करें, उसमें डाले हींग, बचा हुआ जीरा, बची हुई राई, बची हुई सूखी लाल मिर्च, बचे हुए कड़ी पत्ते, प्याज, गाजर, फ्रेंच बीन्स और अच्छे से मिलाकर एक मिनट तक पकाए। अब आलू को क्यूब्स में काटे और पैन में डाले, साथ में डाले बची हुई हल्दी पाउडर, डेढ़ बड़े चम्मच बनाया हुआ पाउडर और नमक और टॉस करके मिला लीजिए। फिर डालें ब्राउन बासमती राइस, अच्छे से मिलाएं। फिर डालें ओट्स, इमली का पल्प और गुड़ और अच्छे से मिलाएं और ओट्स को पूरी तरह से पकने तक धीमी आंच पर पका लीजिए। गर्मा गर्म परोसे। ओ जी, अब बनाएंगे पाइनएप्पल सासम।